अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक होंगे? आप लोग की बहुत दुआओं मोहब्बतों से हम लोग भी बहुत ठीक ठाक हैं। बहुत खूबसूरत सा मौसम है, कूल कूल सा, तो सोचा बहुत खूबसूरत सी फ़िश फ्राई बना रहे हैं ढाका स्टाइल की, और बहुत मज़ेदार होती है फ़िश। सैलमन है, एक पीस हमने ले लिया हुआ था, इसके देखिए हमने ऐसे पीसेस थोड़े टुकड़े कटवा लिए थे वहीं पे से। तो ये हम फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहे हैं, कहीं हमने खाई थी, हमें बहुत टेस्टी लगी थी, तो इसलिए हमने सोचा चलिए अपने घर पे भी ट्राई करते हैं। बहुत मज़े की बनी थी, इंशाल्लाह आज भी बहुत मज़े की बनेगी। सैलमन है ये, किसी भी यहाँ पे मार्केट में इंशाल्लाह आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। बोनलेस है, बोन के साथ भी मिलती है ये, और बगैर बोन के भी मिलती है, ठीक है। इसको अच्छे से वॉश करके हमने लेमन के साथ रख दिया हुआ था, और ये 6 पीस है हम लोगों के हिसाब से, आप लोगों को जितने मन हो उतने खाएं। चलें, ये वन 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 उस स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास फ्रेश फ्रेश सा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा लेमन जूस है। हर चीज़ बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत होती है, और ये हमारा फ्रेश फ्रेश सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, मज़ेदार सा। फिश भी बड़ी खुश खुश सी हो जाएगी कि लेमन आ गया और जिंजर गार्लिक आ गया खूबसूरत सा। हर चीज़ को खूबसूरती के नज़रिए से देखिए तो सब कुछ बहुत खूबसूरत लगती है। कुटी हुई मिर्ची है हमारे पास 1/2 स्पून के करीब, उससे भी कम ही है, हम लोग थोड़ा कम खाते हैं, और आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। माशाल्लाह से अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ले लें, कम खाते हैं कम ले लें, आप अपने घर के बॉस हैं। इंजॉय करें, मज़े करें, मज़े मज़े से रहें, खुश खुश हो के रहें, और दूसरों को भी मज़े करवाएं, तसल्लियाँ दें। ये हमारे पास पेपरिका है 1/2 स्पून से कम, इससे बहुत अच्छा सा चटकीला सा कलर आ जाएगा फिश का, फिश भी बहुत खुश खुश हो जाएगी। हमें बड़े चटक चटक से बनाया हुआ है, ज़ीरा है, भुना है, पिसा है, खुशबूदार है, तो खुश खुश हो रही है। बड़ी तारीफ़ें हो रही है हमारी खूबसूरत सी सैलमन की। और ये सॉल्ट है, थोड़ा सा डालते हैं, बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो फिर मिला लेंगे, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। वैसे मौसम बहुत अच्छा है, बाहर भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपको बाहर रखना बाहर रख लें, हर जगह ही का मौसम अच्छे से अच्छा हो रहा है, और अंदर रखना है तो अंदर रखें, बाहर फ्रिज में रखना है फ्रिज में रखें। और इनको सबसे मसालों से ज़रा मेल जोल इनका करा देते हैं अच्छे से सैलमन का, खुश खुश हो जाएंगी सैलमन। बहुत बड़ी बड़ी सी फ़िश होती है सैलमन, और बहुत आसानी से ये यहाँ पे फ़िश मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन टेस्टी बहुत होती है। चलें, इनको ज़रा मसालों को और फ़िश को मिक्स होने देते हैं, मज़े लेने देते हैं, और हम मिलते हैं आपसे 30 मिनट्स के बाद। चलिए, ये हमारा हो गया है 15 से 20 मिनट तक फ़िश को रखे हुए, बड़ी मज़ेदार से खुशबूएँ आ रही हैं फ़िश की। ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, ये ऐड कर देते हैं हम 1 स्पून के करीब, थोड़ा सा और ले लेते हैं। चलिए, 1 1/2 स्पून के करीब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, और ये हमारे पास 1 टेबल स्पून है इसके, ये हम मैदा डाल रहे हैं ऑल पर्पज़ फ्लावर जो हम यूज़ करते हैं, एग है, बीटेड है, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिरका है, वाइट विनीगर जो हम लोग डेली डेली क्या जो यूज़ होता है वही है, ये भी 1 टीस्पून डाल लेते हैं इसमें, बहुत ज़बरदस्त सी फिश होती है, मज़ेदार सी होती है, टेस्टी टेस्टी होती है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आप लोग इन्जॉय करेंगे। और ये सीसम सीड्स हैं, ये हमने डाले हैं 1 टीस्पून से थोड़े से ज़्यादा हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और चलते हैं अपने गैस की तरफ। ऑयल हमारा अच्छे से हो रहा है गरम मीडियम पे, और ये हमारी खूबसूरत सी फिश है, बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी टेस्टी टेस्टी सी, सर्दियों का मौसम हो, गरम गरम सी फिश हो, मज़े आ जाते हैं। चलें, अब ये खूबसूरत सा पीस निकालते हैं, और इसको और खूबसूरत सी के साथ हम सीसम सीड्स में कोट कर लेते हैं, और फिर हम इसमें डिप करते हैं। देखें, ये ज़बरदस्त हो गई, फ़िश भी खुश खुश सी हो गई, और बड़ी अच्छी लगती है ये फ़िश, बहुत मज़ेदार होती है, कहीं पे भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। इंडिया का हमें इतना नहीं पता, बोनलेस जो भी मिले आप उसमें बना लें, यहाँ पे फ़िश मार्केट में आराम से ये फ़िश अवेलेबल है। थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन कोई बात नहीं है, अगर सेहत के लिए इतनी महंगी महंगी दवाएं हम लोग खा सकते हैं तो खाने की चीज़ें भी खाएं, इंजॉय करें, मज़े करें। 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह पाक ने सब कुछ खाने पीने के लिए भेजा है, खाएं पिएं मज़े करें, और अल्लाह पाक ने जो जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों पे चल के सिंपल सी ज़िंदगी जिए, बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी है, मज़े मज़े करें, मज़े करवाएँ, खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें, मज़े करें। बड़ा अच्छा नहीं लगता किसी का भी दिल दुखाना, बहुत हमें अफसोस होता है कभी बाय मिस्टेक अगर हमसे किसी से हो जाती है या दुख दिल दुख जाता है, लेकिन क्या किया जाए, खैर कोशिश यही रहती है कि ऐसा ना होने पाए।
तो सबके लिए यही चीज़ें हैं, खुश रखें, सबको मज़े करें, इन्जॉय करें चलें, यही सारी चीज़ें बार बार कह के आप लोगों को रिपीट हो गई होंगी इंशाल्लाह। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ़िश, मज़ेदार सी। चले इसको होने देते हैं मीडियम पे और फिर आपने देखें। चलिए हमारी ज़बरदस्त सी ढाका स्टाइल की फ़िश बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार होती है। थोड़े से पीस मंगा लें हैं, बहुत बड़ी फ़िश होती है ये, ऊपर से थोड़ा सा हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार, वैसे भी बहुत मज़ेदार है, और थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा मसाला आप डाल दें, चाट मसाला अगर है, नहीं है तो बिल्कुल भूल जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी खाएँ। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, हर तरीके से तारीफ़ के बहुत ज़्यादा लायक है। ये हमारी चटनी है खूबसूरत सी, हरी धनिया हरी मिर्ची की सिंपल, और ख़ूबसूरत सी हमारी फ़िश है, मज़ेदार सी। इंजॉय करें, बहुत ज़बरदस्त है, और सर्दियों के दिनों में बनाएं, कोई भी फ़िश हो इस स्टाइल में बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी बोनलेस वाली होती है ना, तो खाने में बच्चों को भी मज़ा आता है, और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है इस फ़िश का। इंशाल्लाह इंडिया में भी मिलना चाहिए, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तो माशाल्लाह अवेलेबल होती है आसानी से, और बहुत टेस्टी होती है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है, और बहुत मज़ेदार से तरीके से बनाया है, सिंपल तरीके से। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे खूबसूरत से किचन में मौजूद हैं, हर एक के खूबसूरत से किचन में मौजूद हैं। खुश रहें, इंजॉय करें, और अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चलिए आज फिश इंजॉय करते हैं, आप लोग इंजॉय करें, और शमा के बहुत ही खूबसूरत किचन से अल्लाह हाफिज़ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत हाई फाई हसीन तरीन रेसिपी से इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।